जेफ बेजोस आज के दौर का सबसे चर्चित नाम, और चर्चित भी क्यों ना हो, इन्होंने न केवल दुनिया के सबसे अमीर आदमी में अपना नाम शुमार करवाया बल्कि इनकी ख्वाहिशें भी ऐसी हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। ऐसी ही कुछ ख्वाहिशों में से एक है अंतरिक्ष यात्रा। अमेज़न के फाउंडर एंड CEO जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हैं, वे अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन से तैयार किए गए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड में अंतरिक्ष यात्रा करने जा रहे हैं, और ऐसा वे अमेज़न के CEO के रूप में पद छोड़ने के बाद करेंगे। ईयर 1994 में जेफ बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक सेलर के रूप में अमेज़न कंपनी को बनाया था, और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। जेफ बेजोस अपने छोटे भाई मार्क बेजोस के साथ 20 जुलाई 2021 को ये यात्रा पूरा करेंगे। उन्होंने ये तारीख इसलिए चुना क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पर लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहली बार चांद पर कदम रखा था। इनके साथ दो और लोग भी अंतरिक्ष की सैर करेंगे, जिसमें से एक शख्स को न्यू शेफर्ड की विंडो सीट हासिल करने के लिए 2.5 अरब रुपए चुकाने पड़े। करीब 10 मिनट तक चली नीलामी में दुनिया के 159 देशों से 7600 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आखिरी के 3 मिनट की बोली में इस शख्स ने विजेता बन विंडो सीट हासिल की है। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष की सैर लगभग 11 मिनट तक चलने का अनुमान है, और इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि जब से मैं 5 साल का था तब से मैंने अंतरिक्ष की यात्रा करने का सपना देखा है, और 20 जुलाई को मैं ये यात्रा अपने भाई जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है उसके साथ पूरा करूँगा। ये मेरे भाई के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कैप्सूल बीच रास्ते में ही अलग हो जाएगा और यात्री उस रॉकेट से अलग हो जाएंगे। कैप्सूल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर पैराशूट नहीं भी खुलता है तो भी कैप्सूल अर्थ पर सही तरह से लैंड करे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है तो जेफ बेजोस द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, जिनकी नेटवर्थ 187 बिलियन डॉलर है, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति स्पेस टाइकून होंगे जिसने रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष की सवारी की। फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।